क्षण सुखी है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते कि जितनी जितनी आकुलता घटे उतना उतना मोक्ष आज भी है, क्योंकि तीसरी ढाल में क्या लिखा है, आत्म को है सुख हित है, आत्म को हित है। थोड़े आगे पीछे कह दे, इसो तो सब खो आउट है, हम यहां भूल जाते। हाँ वो तो सब खो आउट है, बता मालूम है हम भूल है भैया, गलती आपने संभाल ली, ऐसे ही समायत रहियो, अपनी सुई समारत रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता गुरु, और आकुलता शिव माही लता, आकुलता एक ही जगह है जहां नहीं है। सो यहां भी अगर हम थोड़ी आकुलता घटाएं तो कहां पहुंच गए, समझ लो कि मुक्ति का ही आनंद हमने ले लिया, निराकुलता ही मुक्ति का आनंद है। सो जैसे जैसे हमारी आकुलता घटती जाए, आकुलता कैसे घटेगी, ऐसे ही घटेगी कि हम किसी को हितैषी मान करके उस पर प्रसन्न हो जाते, किसी को अपना बैरी मानकर उस पर नाराज हो जाते। भैया इसी राग द्वेष में तो लगे भगवान, देखो न किसी को बैरी मानते न किसी को सगा मानते, सबको समान मान, सबके प्रति समान भाव है, वितराग भाव है, यही उनके सुख का कारण है। ऐसी ही वितरागता, ऐसा ही साम भाव हमें भी भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो, जिससे कि हम भी इस संसार में और वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकें। हमारे अंदर भी ऐसी भावना भक्ति करते समय आनी चाहिए। वास्तव में तो देखा जाए, जिसकी सबके प्रति सद्भावना होती है तो सब उसकी आज्ञा में रहते हैं। अपन संसार में भी इस चीज को देखते हैं कि जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है तो उसके जरा से इशारे पर सब लोग जो है और सब बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके 100 लोग हैं तो वो अपन कहते ना कई बार कि भैया हम तो कोई से तनक के हैं, समाओ तो हमारे तो बहुत से लोग हैं, किस बात से लोग हैं, आपने उनको कछु दाव है ऐसे हैं का, या कि तुमने उनको कछु दबाव में डाल के काम करवाया है, नहीं, प्रेम भाव से सद्भाव से। और अगर साम्य भाव आ जावे, साम भाव हो जा आ जावे तो सब जीव जो है अपने आप स्वयमेव ही आज्ञा में हो जाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ वादीराज महाराज कि कल लोग आकर के अगर मेरी पूजा करेंगे, कल तक निंदा करते थे तब भी मुझे दोनों स्थितियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा है, दोनों के प्रति ही आपने जैसा साम भाव रखा, मेरे अंदर भी दोनों के प्रति वैसा ही साम भाव है।